नमस्कार, आप देख रहे हैं DN Day न्यूज़ और मैं छपरा से प्रभास संजन। अभी मैं खड़ा हूं आपको छपरा सदर अस्पताल में। आपको बता दें कि जब से सत्ता परिवर्तन हुआ है तब से स्वास्थ्य को लेकर के और यहां के अस्पतालों का जो है वहां पर व्यवस्थाएँ जो है सुदृढ़ करने के लिए यहां के स्वास्थ्य मंत्री हमारे जो तेजस्वी यादव हैं, जो कि उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने पूरी तरह से एड़ी चोटी एक कर दिया है कि ताकि हमारे सभी जिले का स्वास्थ्य जो है बिल्कुल ठीक हो जाए। इसके लिए आपने PHC से लेकर के सदर अस्पताल तक चुस्त दुस्त करने में लगे हुए हैं। वहीं पर आप दिखा सकते हैं कि किस तरह से ये पीछे हमारा अल्ट्रासाउंड है। ये अल्ट्रासाउंड क्या, यहाँ पर ये कार्यालय है जिसके भीतर में अल्ट्रासाउंड होता है। यहाँ पर आप ताला देख रहे बंद है और यहाँ पर एक नोटिस बोर्ड लगा दिया कि जिसमें लिखा हुआ है कि अल्ट्रासाउंड मशीन खराब है और सुविधा के लिए खेद है। क्या यह सिविल सर्जन साहब को अभी नहीं दिखा जा रहा है कि यहाँ के मरीज जो है कहाँ जाएंगे, अल्ट्रासाउंड कहाँ होगा, कैसे होगा, और वो गरीब बेचारे आगे निजी अल्ट्रासाउंड कराने के लिए मजबूर हो जा रहे हैं। लेकिन अभी तक ये लोगों का कहना है कि 15 दिन से ये बंद है। यहाँ पर कुछ हमारे मित्र यहाँ पर लोग भी खड़े हैं और शायद मैं उनसे जानना चाहूँगा। आप एक मिनट, क्या शुभ नाम आपका? कुंदन पासवान। कितने दिन से ये अल्ट्रासाउंड बंद है? ये आपका बहुत दिन से बंद है। तो कैसे इसमें आप लोग मतलब कि अल्ट्रासाउंड के लिए कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं? बाहर जाएंगे। तो आपने किसी अधिकारी से बात नहीं किया? कोई सुनेगा तब ना, यहाँ जाओ वहाँ जाओ। यहाँ कोई भी अधिकारी सुनने की तरह नहीं। हमने भी प्रयास करने की कोशिश किया है कि यहाँ पर सिविल सर्जन मिल जाए और भी अधिकारी मिले, लेकिन कोई भी यहाँ पर मिलने को तैयार नहीं है। कोई भी जो भी पत्रकार का अगर फ़ोन भी करते हैं तो उनका फ़ोन काट दिया जाता है, लेकिन रिसीव करने की वो मुनासिब नहीं समझते हैं। इस तरह से पत्रकारों से वो बचते हुए निकल रहे हैं। छपरा से प्रभास संजन। जुड़ो दीक्षांत से, करो फ्री खुद को स्ट्रेस से। गूगल प्ले स्टोर से दीक्षांत ऐप डाउनलोड कर अपने स्टडी को बनाओ आसान और मजेदार। दीक्षांत देता है टॉपिक वाइज वीडियो विद एनिमेटेड विजुअल्स एंड कॉन्सेप्ट वाइज स्टडी मटेरियल्स।